साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया और लगातार हम फतेहाबाद जिले के अंदर इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। इस समय फतेहाबाद जिले के जोन नंबर वार्ड नंबर 3 के अंदर मौजूद है और डिंगसरा गांव के अंदर मौजूद है। यहां पर समस्त कार्यकर्ता जो बैठे हैं, सुरेंद्र सोनी के काफी कार्यकर्ता बैठे हैं और इन कार्यकर्ताओं के साथ साथ सुरेंद्र सोनी जो है प्रत्याशी जोन नंबर 3 से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे तमाम चर्चाएं करने के लिए इलेक्शन को लेकर के, हालांकि कल वोटिंग होनी है एंड बिल्कुल यानी कि अब कुछ घंटों का खेल बचा है, कुछ घंटों की बात रही है। ऐसे में चुनाव प्रचार पूरा कैसा रहा, मौके पर क्या स्टैंड है, सारी तमाम बातों को लेकर के इनसे चर्चाएं करते हैं। चलिए करते हैं बातचीत। तो वार्ड नंबर 3 से सुरेंद्र सोनी जी हमारे साथ है, उगता हुआ सूरज जिनका चुनाव चिन्ह है। सोनी साहब, बिल्कुल कुछ घंटों का कह सकते हैं हम खेल बचा है, कुछ घंटे की बात रही है, वोटिंग सुबह शुरू हो जाएगी। ऐसे में क्या चुनाव प्रचार किया, कैसा क्या पूरा रहा चुनाव आपका? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम करता हूँ, वार्डवासियों को। जो कल जो चुनाव होने जा रहा है जी 22 तारीख को अपना, उसमें अपना उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह है और हमें वार्डवासियों से मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं तो सभी मेरे वार्डवासियों से अपील करता हूँ कि वो मेरे तन मन से साथ हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। आप इतने दिन इलेक्शन की कैंपेनिंग की, चुनाव प्रचार किया, कैसा लोगों का आशीर्वाद आपके साथ रहा? बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा जी। महिला शक्ति को देखा जाए, युवाओं को देखा जाए, मातृ शक्ति और युवा शक्ति और सभी मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और जो युवा साथी हैं वो तो मेरा बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। स्पोर्ट यानी आपको खुल करके अगर देखा जाए तो किन की ज्यादा आई, मतलब जहाँ जहाँ भी आप गए? सपोर्ट तो जी आशीर्वाद तो माताओं और सभी बड़े बुजुर्गों का और सभी का है जी आशीर्वाद, तो सभी वार्डवासियों को बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिले। जीतने के बाद सोनी साहब, पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी आपके वार्ड के लिए? प्राथमिकता तो यही है जी, मैं जो ये अपने नशे के खिलाफ है जी, पहले जो आजकल अपना नशा है, जो सभी मतलब युवा साथी हैं हमारे आज नशे बहुत ज़्यादा लिप्त होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अपनी युवा साथी बचेंगे तो अपना देश का भविष्य है, अगर वो बचेंगे तो अपना देश अपने आप खुद ही बच जाएगा। शिक्षा को देखा जाए, खेलों को देखा जाए, क्या करना? शिक्षा के लिए भी तो मान लो अपने स्कूलों में जी, सरकारी स्कूल हैं तो उनमें जी बहुत स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनका भी पूरा करवाने का पूरा काम करेंगे जी। और रही खेल की बात है तो हर जगह जी मान लो युवा साथी हैं, जैसे मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए भी युवा साथियों को किट वगैरह नहीं मिल रही, वॉलीबॉल के लिए जी नेट वाली हैं जो भी उनके लिए वो नहीं मिल रही, और साथ में जो उनका कोच है ना, कोच भी उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सभी मेरे वार्ड के अंदर जितने भी गांव आते हैं उनमें कोच की व्यवस्था हो और जो खेल कूद के लिए जो सामान है उनको मैं पूरा दिलवाने का काम करूंगा जी। 5 साल आपका कार्यकाल रहता है तो जो लोग उम्मीद करे बैठे हैं आपसे, क्या उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर? मैं बिल्कुल खरा उतर पाऊंगा जी, 100% खरा उतरूंगा जी। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे वार्डवासियों को सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आज जिस तरह वो मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं उनके साथ मेरे तन मन धन से उनका सहयोग करूंगा जी। और जो आपके वोटर देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो आज तो यही अपील करना चाहता हूं जी कि मेरे सभी भाई जो युवा साथी हैं, मातृ शक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो मुझे आशीर्वाद तो दे चुके हैं, फिर कल का दिन हो रहा है, मुझे भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दें। शुक्रिया सर आपका। तो ये हमारे साथ सुरेंद्र सोनी जी थे जिला परिषद के जोन नंबर 3 से, इनसे तमाम चर्चाएं की। कल वोटिंग है और ऐसे में इनके लिए हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि इनका जो कार्यकाल है 5 साल तक अच्छा चले और लोगों की जो उम्मीद किए बैठे हैं उन उम्मीदों पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कैमरा सहयोगी नरेंद्र कुमार के साथ सुदेश पुनिया भट्टू, फतेहाबाद।